गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी रश्मि। तो गाइस, मैं तो अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। एक तो गाइस, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं देख सामने रही हूँ लेकिन मेरी कैमरे में नज़र कहीं और जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, मेरे पास कोई है नहीं शूट करने वाला, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो गाइस, और हाँ, कमेंट करके बताना कि ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि आप लोगों को भी मेरा लुक कहीं और लग रहा है, तो बताना प्लीज़। और गाइस, मैं खुश क्यों हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ, बिकॉज आप देख रहे होंगे मेरा बैग रखा है सामने और मैं जा रही हूँ अपने घर। सो बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम मैं कब गई थी याद भी नहीं है, दिवाली के बाद गई थी याद नहीं आ रहा मुझे, कोई नहीं। तो गाइज, मैं बहुत टाइम के बाद घर जा रही हूँ और वो तो ठीक है घर जा रही हूँ, लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि मेरे घर में सिर्फ मेरे बड़े भाई को पता है और शायद पापा को पता है कि हम कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे, शायद ये पता है नहीं पता है, लेकिन ये है कि हम आ रहे हैं। बस मम्मी को कुछ नहीं पता है कि हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट मम्मी बहुत उम्मीद से बैठी हुई है, बोल रही मेरा दिल कह रहा है कि तू आ रही है, मेरा दिल कह मेरा ये दिल गवाही नहीं दे रहा कि तू नहीं आ रही है ना, बिकॉज मैं हमेशा ना करवा चौथ से हमेशा पहले पहुँच जाती हूँ क्योंकि मम्मी की सारी तैयारियाँ मैं ही करती हूँ। तो बस इस बार भी मैं ना जाऊँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है शायद। तो हाँ, मम्मी की जो फ्रेंड्स हैं ना आंटी, उनको भी पता है कि मतलब मैं आने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच आंटी कि आपने अभी तक, मतलब आप रोज़ मेरी मम्मी से मिल रहे हैं लेकिन आपने अभी तक मेरी मम्मी को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, थैंक यू। तो चलिए बस अभी मैं पैकिंग करती हूँ और मिलते हैं बाद में। तो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ घर जाने के लिए, मैं बस अपने भाई का वेट कर रही हूँ, वो भी घर से निकल गए हैं तो बस पहुँचने वाले हैं, तो बस जैसे वो आते हैं फिर मैं जाती हूँ। एंड गाइज, आज ये जगह खाली खाली लग रही है क्योंकि यहाँ पे हमेशा यूट्यूब का बटन रखा रहता है, तो सोचा कि घर पे लेके जाती हूँ, सब लोग घर पे देख लेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो बस, और इसमें मैंने खाना पैक कर लिया है और मेरा बैग भी रेडी है। तो बस गाइज, अभी जाते हैं। और मेरी ट्रेन तो वैसे बांद्रा से थी पर मैं बांद्रा नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बोरीवली, क्योंकि बोरीवली भी आती है 5 मिनट के लिए रुकती है, तो हम थोड़ा सा पहले जा रहे ताकि ट्रेन हमको मिल जाए। तो चलिए गाइज, अब बस हम बोरीवली मिलते हैं। गर्मी भी लग रही थी और बहुत इरिटेशन हो रही थी, तो फाइनली हम लोग बैठ गए ट्रेन में। और बस अभी मैगी, नाश्ता, ऑमलेट पिए वो गाइस देखिए, इसका चाय पी रहा है और मुंह कैसा बना रहा है। मतलब चाय पी के दिल खुश ही नहीं होता है, इससे अच्छा तो हम लोग साला मतलब ब्लैक कॉफी ले आते हैं, यहाँ से गर्म पानी लेके ब्लैक कॉफी पी लेते तो ज़्यादा सही रहता। मतलब चाय तो पी रहे हैं लेकिन चाय वाला फील नहीं आता है, घर की चाय घर की ही होती है। कुछ लोगों को मतलब ट्रेन की चाय बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं कुछ लोगों के मतलब ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब ट्रेन की चाय पी के मतलब मज़ा आ जाता है, और पता नहीं तो मुझे समझ नहीं आता लोगों को कैसे अच्छी लगती है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती है, बट पी लेते हैं कि ट्रेन में बैठ के करें भी क्या, खाते पीते रहो चलते रहो बस। तो चलिए अब बस पहले हम चाय पी लेते हैं फिर खाना खाएंगे। लग रही सब्जी सही है, बढ़िया, बहुत लाइट पड़ रही है बाबा, तो ये तो चलिए पहले हम खाना खा लेते हैं, नींद आ रही है, जब सोने जाएंगे तब नींद नहीं आएगी, लेकिन अभी नींद आ रही है तो बेटर है कि अभी खाना खा लेते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। लोग पहुंच गए हैं अभी, जस्ट उतरे, बहुत लेट हो गया है
पूरा आधा घंटा एक घंटा लेट थी ट्रेन, तो अभी बज रहे हैं 11। बस अभी बाहर जाते हैं, कैब लेते हैं, उससे पहुँचते हैं घर। बस भूख भी लगी है हल्की, मिलते हैं, चलो बाहर जाते हैं घर पे। अब घर वालों का एक्सप्रेशन देखते हैं। आगे देख, ये क्या होता है आगे देख। ए यहाँ तो चाय नाश्ता चल रहा है भाई। चल रहा है। मेरे सर पे पगड़ है। देखो गाइस, देखो यहाँ पे बैग था तो खाली था वो। इतना परेशान कर दे कॉल कर करके कर करके कला। हाँ नहीं, इसीलिए उतरा लगा था। वो कह रहा मैं स्कूटी चला रहा हूँ। अच्छा, इसने उठाया था? नहीं, मैं से आया था। अच्छा, पढ़ा किसने था? पापा ने पढ़ा होगा भाई। कितनी देर में पिटाई? अरे इधर रिकॉर्ड भी हो रहा है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, मम्मी तो कितना झूठ बोलते हैं। गाइस देखो मेरी पिटाई हो रही है। देखो एक तो हमने आगे सरप्राइज दिया पापा। मैं बार बार कह रही हूँ नहीं, अभी पहले हम लोग नहाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, अभी नहीं। ये मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कोई सब्जी नहीं लाई गई आ रहे ना हो। देखा माँ का दिल, माँ का दिल। और अभी रश्मि की तो बात चल रही है। क्या क्या बात चल रही है मेरी? यूँ कह रहे कि लोग जानते हैं क्या रश्मि को? कौन रश्मि? सपने में दिखती है, कल सीमा को दिखी सपने में। क्या बात है आंटी जी, आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं, शाम को ही मिलती हूँ। बहुत नजर आ रही हूँ आपको बिना मिली सपने में, मिलने के बाद क्या होगा। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग घर पे पहुँच गए हैं और आपने देखा ही, हमारे बच्चों ने दोनों ने हमसे झूठ बोला और हमने पता था कि बच्चे हमारे 30 तारीख में आएंगे। अरे रहने दो, 28 से कर रही थी, 28 से 23। 29, 30। रहने दो। तो चलिए अब बस जल्दी से जाते हैं, नहाते हैं, क्योंकि झूठा कौन था? कोई भी हो, हमें तो सरप्राइज देना था, है ना? देना चाहिए, आप लोग भी देना, ठीक है? किधर? वहाँ पे रोहित के रूम पे। अच्छा, तो वो तो रहती ना। मैंने बोला तो बस चलिए गाइस, मिलते हैं बाद में, पहले अब नहा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अरे चलो, इस ब्लॉग का एंड हमारी मम्मी और पापा देंगे। देखो आती ही उस मम्मी का दुपट्टा हट गया जो सर बंधा हुआ था। मैंने इसलिए हटाया कि लोग क्या कहेंगे, देखो मम्मी कैसी रहती है। तो हाँ, अभी एंड करना, क्या कैसे करना होता है एंड? भूल गए। शेयर करें, लोग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इधर देख के बोल, इधर देख के, इधर देख के, इधर देख के। तो चलिए गाइस, अगर आप सबको, अगर आपको हमारी लड़की का ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए गाइस, आप लोग भी अपने घर वालों को ऐसे कभी कभी सरप्राइज देते हैं ना, अच्छा लगता है घर वालों को, और आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो बस अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।